फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं अनिल विमल आज चर्चा करूंगा कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता उस तरीके से नहीं मिल रही या जितना आप चाह रहे हैं उस उम्मीद से उस अपेक्षा से जो है आपको जो है रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं या आप कोई भी काम करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं तो उसका क्या कारण है। हम कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं कोई भी अपना जो भी काम आपने नया स्टार्ट किया और उसमें असफलता मिली तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा कि कुछ दिन किया तब तक एनर्जी थी उसके बाद जो है फिर पता नहीं क्यों मन नहीं लगता। तो ये इन सब के जो है उत्तर आपको आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो साथियों इस वीडियो को आप पूरा देखें इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों सबसे मेन जो इसमें प्रमुख बात है यही है कि क्या आप अपने बिजनेस को अपने बच्चे की तरह प्रेम करते हैं, क्या आप अपने बिजनेस को अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो स्वाभाविक है वो आपका जो पौधा है वो बिजनेस रूपी जो पौधा है वो जो एक दिन मुरझा जाएगा, वो थोड़े से ही जो है आंधी तूफान बारिश उसमें जो है वह टूटकर बिखर जाएगा या वो मुरझा जाएगा मर जाएगा। यही कारण है कि जिस तरह से आप अपने बच्चे की देखभाल करते हैं उसके लिए कौन कौन से सप्लीमेंट होने चाहिए, उसके लिए पोषण आहार की आप व्यवस्था करते हैं, उसके पढ़ने लिखने की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए सुरक्षा करते हैं, तो आप जितनी मतलब उसके लिए केयर करते हैं उतना केयर यदि आप अपने व्यवसाय से अपने जॉब से अपने बिजनेस से करेंगे तो तब जो आपको सफलता उस बिजनेस में मिलेगी। तो इसलिए आपको इसमें कुछ जो है मेन बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ। पहला बिंदु, हर आदमी की सोच अलग है, ये आप सब जानते हैं। हर आदमी की सोच अलग है तो हर आदमी का बिजनेस अलग है। आपने देखा है कि एक आदमी का बिजनेस सफल होता है, किसी की दुकान बहुत ज़्यादा चल रही है उस पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और कुछ चार दुकानें ऐसी जिस पर जो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर इंसान बिजनेस तो वही है एक ही है लेकिन हर इंसान की सोच अलग है, सोच अलग है तो इसलिए उसका बिजनेस भी अलग है। तो आपको जो है इस पर ध्यान देना होगा। दूसरा बिंदु, हम एक कॉपीकेट की दुनिया में रह रहे हैं। ये मानिए कि इंसान एक कॉपीकेट होता है, डुप्लीकेशन होता है, वो नकल करना जानता है। जब वो इंसान पैदा होता है तब से नकल करता है, चाहे हम छोटे बच्चे की हों वो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि मानव हो जीव जंतु हो कोई भी हो उसका स्वभाव है कि वो अपने आसपास के वातावरण से अपने माता पिता से अपने जो है जितने भी लोग हैं उन सब से वो सीखता है और नकल करने का प्रयास करता है और नकल करते करते वह सीखता है। इसलिए बड़े जब होकर हम संगत का भी असर मानते हैं तो हमें इसे कहते हैं कॉपीकेट। तो आपको यदि कॉपी करनी है तो कॉपी किनकी करनी चाहिए? जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो सफल हो चुके हैं, जो वहाँ उस रास्ते पर चल रहे हैं तो उनके आप कॉपी कीजिए, उनको जो है नकल करने का प्रयास कीजिए, उनका डुप्लीकेशन कीजिए, उनसे सीखिए, क्योंकि सफलता सुराग छोड़ जाती है और वो पद चिन्हों पर आप चलने का प्रयास कीजिए। तो इसके लिए आप जो है सीखिए। कोई भी आपको जैसे बिजनेस करनी है या कोई व्यवसाय करना है तो उसको एक तरीका होता है, सिस्टम होता है, तो उस सिस्टम को सीखिए कि किस तरह हमको नेटवर्क बनाना है, किस तरह ग्राहकों से बात करनी है, किस तरह जो है हम अपने प्रोडक्ट को लोगों तक जो है लॉन्च करें, किस तरह हम जो उसकी आप सामने वाले के जो है दिमाग में उसकी नीड उसकी आवश्यकता को जो है डाल पाएँ, तब जाकर जो है हम अपने व्यवसाय को अपने सामान को हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो उससे जुड़ना पड़ेगा, भावनात्मक रूप से जुड़ना पड़ेगा, केवल एक क्या सामान बेचने तक सीमित नहीं, क्या हम सामने वाले से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, तब जाकर हम जो है उस सामान को बेच पाएंगे या उसको हम सीख पाएंगे। तो ये जो है इस बिंदु पर भी हमको अपने बिजनेस में ध्यान देना चाहिए। अगला बिंदु है, किसी भी बिजनेस को पकड़ना या उसको कार्य शुरू करना एक अलग बात है, लेकिन उसको हेल्दी बनाना, उसको पोषण देना ये अलग बात है। जिस तरह से हम जो एक छोटे बच्चे को हम जो है पोषण देते हैं, ऐसे ही हमको जो है अपने बिजनेस को अपने व्यवसाय को अपने जॉब को पोषण देना चाहिए, उसमें खाद पानी देना चाहिए, उसको संरक्षण देना चाहिए, उसको प्रतिदिन हमको जो है सहारा देना चाहिए, तब जाकर वो जो है परिपक्व एक विशाल वृक्ष के रूप में जो है बनेगा, तब आपको आजीवन हमेशा के लिए वो फल देगा और एक बड़े समय तक देगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला बिंदु है वायरस। जैसे जीवन है तो जीवन में बीमारियां तो होती हैं, जैसे मनुष्य का जीवन ही मानिए तो ऐसा तो है नहीं कि वो कभी बीमार नहीं होगा
या उससे कभी इन्फेक्शन नहीं होगा, या कभी उसको वायरस नहीं या बैक्टीरिया जो है आक्रमण नहीं करेंगे, क्या उसको जुखाम खांसी नहीं होगा, या कभी दस्त नहीं होंगे, या कभी बीमारी नहीं लगेगी? ऐसा तो है नहीं। वो जीवन है तो ये इन्फेक्शन ये बीमारियाँ तो होंगी ही, लेकिन वो इसके लिए फिर उस अपने अंदर इतनी इम्यूनिटी पावर बना के रखना चाहिए ताकि हम उन रोगों से लड़ सकें, या समय समय पर जो हम एंटीबायोटिक्स या दवाइयों का उपयोग करते हैं। इसी तरह से ही जो आप जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें भी समय समय पर आपको इन्फेक्शन आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे। तो हमें उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए निराश और हताश नहीं होना है कि अब जुकाम हो गया, अब तो जीवन ख़त्म, बुखार आ गया, अब तो बस ख़त्म, अब तो जो है दस्त हो गया, अब तो ख़त्म। ऐसा तो नहीं है। आप क्या करते हैं, उस रोग से लड़ने के लिए फिर उस दवा को देते हैं और जीवन आगे बढ़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जो व्यवसाय है, आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, उसमें इन्फेक्शन आएंगे। हो सकता है मंदी हो सकता है लॉकडाउन आ जाए, हो सकता है कुछ और जो है कारण हो जाए, तो उससे आपको परिस्थितियों से या जो भी कारणों से हमें उसके लिए दवा, उसके जो है इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स, वो हमको देने होंगे। हमको जो ट्रेनिंग्स लेनी होगी, हमको अपने आप को मोटिवेट करना होगा, और हमको नई अपॉर्चुनिटी जो भी आसपास नज़र आ रही है, उस बिजनेस से संबंधित नज़र आ रही है, उसको समझना होगा और उसको जो है हमें अपने आप को देना होगा। तब जाकर जो है हम उस इन्फेक्शन से दूर होंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। अंत में मैं यही कहूँगा साथियों कि हम जो है अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को, अपने जॉब को एक पेशन की तरह, एक जो है अपने बिल्कुल एक आप जो करना चाहते हैं, एक मतलब आकांक्षा है आपके अंदर, एक जुनून की तरह आप उसको करें, लगन की तरह करें, बिल्कुल खुश होकर करें, तो आप जो है आप उसको परिपोषित कर पाएंगे। या मैं सीधा साधारण भाषा में कहूँ, एक छोटा बच्चा जिसे आप गोद ले लीजिए, एक बच्चा जिस बच्चे की आप परवरिश करते हैं, आपने जो एक या दो संतान जो आपकी हैं उसकी आप परवरिश करते हैं, उसके अच्छे जो है भविष्य के लिए आप जो है खर्चा भी करते हैं, उसके अच्छी पढ़ाई के लिए करते हैं, उसके अगर मान लीजिए कहीं कोई बात हो गई तो अच्छे इलाज के लिए करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने बिजनेस के लिए निवेश करना चाहिए। अच्छी किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल पढ़िए, बिजनेस ग्रोथ के लिए पढ़िए, और हमको CD, ऑडियो, वीडियो, सेमिनार्स, इन सब का जो है हमें नियमित जो है हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से आपका वो गोद लिया हुआ बच्चा, वो बिजनेस आपको जो है कभी भी धोखा नहीं देगा। और मान लीजिए आज बच्चे को कोई ज़रूरत है तो आपको तब तक उसको पालना है जब तक वो कमाने लगे हो, जब कमाएगा तब आपको रिटर्न देगा। लेकिन आज जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो उस बच्चे की तरह जो आज आपको भी पाल रहा है और आपके उन बच्चों को भी पाल रहा है। तो आपका जो गोद लिया हुआ बच्चा है, तो क्या आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या आप उसको पालन पोषण नहीं करेंगे? क्या आप उसको उसके लिए ट्रेनिंग्स या अच्छे बुक्स या अच्छे सेमिनार्स या अच्छे जो है लोगों की संगत, क्या वो नहीं करना चाहेंगे? अगर करना चाहेंगे तभी तो वो जो आगे बढ़ेगा। इसलिए वो गोद लिए हुए बच्चे को आप पोषण दीजिए। तो आपका बिजनेस आपका बच्चा है। जिस दिन आपने ये समझ लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती कि आप अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आपके बात समझ में आई होगी, और यदि बात आपको अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी सुझाव जरूर दीजिए। आप सभी साथियों का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को अनिल विमल का नमस्कार।